हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं टी विलास सेन, अग्रसेन प्राइवेट आईटीआई डगनिया, डिस्ट बालो, छत्तीसगढ़ से। आज हम ट्रेड इलेक्ट्रिशियन के टॉपिक लघुत्तम समापवर्त पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन लघुत्तम समापवर्त कैसे निकलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अपने पास क्वेश्चन है 8, 12, 16। लघुत्तम समापवर्त ऐसे निकालते हैं जो सबसे छोटी संख्या से भाग देते जाते हैं, जैसे 2 4 8 2 6 12 2 8 16। उसके बाद फिर किससे जाएगा, 2 2 4 2 3 6 2 4 8। उसके बाद फिर 2 से जा रहा है, 2 1 2, 3 नहीं जा रहा है, 3 को यहीं लिख देंगे, 2 2 4। अब जाएगा क्या, 3 एक बार जाएगा 2, तो इसको अपन क्या करते हैं लघुत्तम समापवर्त में पूरा लिखते हैं। ठीक है, 2 × 1 × 3 × 2, तो ये कितना हुआ, 3 × 6 × 12 × 24 × 48। तो अपना लघुत्तम समापवर्त कितना है, 48। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त में पूरा लिखते हैं, अगर जो संख्या छूट रहा है उसको लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 359। अभी किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है। ठीक है, 3 एकम 3, 5 नहीं जा रहा है, तो इसको यहीं लिख देंगे, 3 3 9। अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 5 एक बार जाएगा, 3 एक बार जाएगा, इसलिए इसको भी पूरा लिख देंगे। कैसे, 3 × 1 × 5 × 3, तो कितना हुआ, 5 3 15 3 45। इसका लघुत्तम समापवर्त कितना हुआ, 45। ठीक है, ऐसे ही अब आते हैं महत्तम समापवर्त। इसको क्या बोलते हैं, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त में ये चीज़ ध्यान देना है कि जो दी गई संख्या है 24 30 42, ये एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। जैसे कि लघुत्तम समापवर्त में नहीं जा रहा था तो उसको हम लोग क्या कर देते थे, यहाँ पे जैसे कि 3 नहीं गया तो उसको क्या कर दे, नीचे उतार दिए थे। 2 से 2 चीज़ गया, 1 नहीं गया तो उसको उतार दिए थे। लेकिन महत्तम समापवर्त में ये ध्यान रखना है कि जो भाग दे रहे हैं तो तीनों जितना भी अंक दिया है यहाँ पर वो तो एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। जैसे कि ये कितने से जाएगा, 2 12 24, और 2 15 30, और 2 1 2 2 4, 2 1 21 2 42। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 से जा रहा है क्या, 1 जा रहा है, 2 नहीं जा रहा है, तो 3 से देखते हैं, 3 से जा रहा है क्या, हाँ 3 से सभी जा रहा है, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21। अब फिर देखते हैं 2 से जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है। अब महत्तम समापवर्तन एक चीज़ याद रखना है, लघुत्तम में जैसे पूरा लिखते थे लेकिन महत्तम में क्या करना है, इधर का लिखना है, 2 × 3 इक्वल टू क्या हुआ, 6। तो अपना महत्तम समापवर्तन कितना है, 6 आया। ठीक, वैसे ही अपन क्या करेंगे, 359 का महत्तम समापवर्तन निकालेंगे। अभी किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, ये जा रहा है, 5 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो अपन महत्तम समापवर्त में बोले थे कि जितना भी दिए हुए अंक है वो एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए, तो बस किससे जा सकता है, 1 से भाग जा सकता है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्त में क्या लिखना है, इधर का, इसका महत्तम समापवर्त क्या होगा, 1 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया।